अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स क्लास 9 और हम स्टडी करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर क्या होता है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे, मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। नंबर्स को हम लोग अरे कहते हैं। अरेंजमेंट, अगर हम लोग नंबर्स को एक रेक्टेंगल के अंदर अरेंज करते हैं लाइक दिस 1, 3, 4, 7, 2, 0, इनमें देखें तो स्पेस इक्वल है इन दोनों के दरमियान में भी और इनके दरमियान में भी, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट में, इस तरह नंबर्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और इनको, इन नंबर्स को हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में और इसको होल कहेंगे मैट्रिक्स। और अगर हम लोग एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम इनको कहते हैं मैट्रिसेस। इसके बाद आ जाता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रो और कॉलम। रो और कॉलम जिसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं नंबर्स की, हम इनको कहते हैं रोज। और वर्टिकल अरेंजमेंट जो होती है नंबर्स की, हम इनको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहेंगे रोज और वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल अरेंजमेंट नंबर्स की को कहेंगे कॉलम्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर किसे कहते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में स्पेसिफिक होती हैं और इनको, इनकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज और कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर, ठीक है। अगर लाइक दिस, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, इनको अगर हम लोग जो है लिखते हैं तो हम कहेंगे ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो कितनी रोज़ हैं? 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 इसमें क्या है? कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या, रोज़ को हम पहले लिखते हैं और कॉलम को हम लिखते हैं बाद में, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स को, तो इसमें हम लोग रोज़ पहले देखेंगे 1, 2, 3, 3 इसमें रोज़ हैं और 1, 2, 3, 3 इसमें क्या है? कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। इसी तरह हम लोग इस कॉलम को, तो इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स में देखें तो रोज़ कितनी है? ओनली 1, और इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3, ठीक है बेटा, समझ आई। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज को 1.1। इसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें देखें तो इसमें रोज़ कितनी है? 1, 2, 2 इसमें रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2 इसमें 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2, ठीक है। इसी तरह हम इसको देखें तो इसमें रोज़ कितनी है? 1, 2, 2 रोज़ हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। इसी तरह इसको देखें तो इसमें रोज़ कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका 1/2 होगा। इसका ऑर्डर देखें तो हम, इसमें रोज़ कितनी है? 1, 2, 3, 3 इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? ओनली 1, ठीक है। तो 3/1 इसका ऑर्डर होगा। इसमें देखें 1, 2, 3, 3 इसमें क्या है? रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 2, तो 3/2 इसका क्या होगा? ऑर्डर। इसी तरह इसको हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं? ओनली 1, कॉलम भी कितने हैं? ओनली 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसको अगर देखें तो इसमें रोज़ कितनी हैं? 1, 2, 3, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 इसमें कॉलम है, तो 3/3 इसका क्या होगा? ऑर्डर। इसी तरह इसको देखें, 1, 2, 2 इसमें रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 इसमें कॉलम्स हैं, 2/3 इसका क्या होगा? ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन से मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं? इसको देखने से पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास लेट ए एंड बी, दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, हम लोग, टू कंडीशंस इसमें आती हैं कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दो
दोनों मैट्रिक्स का आर्डर अगर सेम है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो है वो सेम है, अगर इसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम है, मतलब आर्डर सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों में जो एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ भी नंबर, जैसे 1, 3, 4, 2, ये क्या है, एंट्रीज़ हैं। अगर ये दोनों में एंट्रीज़ भी सेम हैं तो ये इक्वल है, अदरवाइज़ ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। जैसे कि ये है, इसमें देखें तो 2 रोज़ इसमें हैं और 2 ही रोज़ इसमें हैं, 2 कॉलम इसमें हैं और 2 ही कॉलम इसमें हैं, तो दोनों का आर्डर क्या है, सेम है। इसके बाद इसकी एंट्रीज़ देख लेते हैं। एंट्रीज़ में देखें तो 1 इसका है, अगर दोनों को प्लस करें 2 + 1 3 होता है, -4 2, 4 माइनस को में से -2 करते हैं तो 2 आता है। तो ये और ये इनकी एंट्रीज़ भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम और रोज़ जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री, दूसरी एक कंडीशन इसकी फुलफ़िल हो रही है, आर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, इसमें देखें कि क्या इनकी एंट्रीज़ जो हैं वो सेम हैं। तो एंट्रीज़ में देखें ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये -1 है, ये भी -1 है, लेकिन ये 2 है प्लस का है, ये -2 है, तो ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं वो इनकी, इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो सेम नहीं है, इनके जो नंबर ऑफ ये नंबर्स जो हैं वो सेम नहीं है, इस वजह से इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सेम है, अगर हम लोग इसको देखें 3 है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये बी के इक्वल है। पहले तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं, तो ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 1 कॉलम है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 5 में से माइनस करें 2 तो 3 आता है, तो ये भी 3 है, इसमें रोज़ और कॉलम भी सेम है, नंबर भी सेम हो गया, तो ए इक्वल होगा सी के। हम इसको लिखेंगे ए इक्वल है सी के, ठीक है। इसी तरह हम लोग और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए इक्वल नहीं है बी के। अब हम इस कॉलम को देख लेते हैं, 5 और 3 है, ये किससे इक्वल हो रहा है, इसका इक्वल जो है ये